बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101। अवर मॉड्यूल नंबर इज 65, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग में जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ आइडेंटिफाइंग नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। आईपी एड्रेस स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पे। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बेसिकली ये होता है कि आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कोई भी नंबर किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। When connected to the internet, the IP address allow the computer to send and receive information. जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट से तो आईपी एड्रेस क्या करता है, अलाउ करता है कंप्यूटर को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके। ईच आईपी एड्रेस वाज अ पैटर्न ऑफ 32 बिट, बट टू प्रोवाइड अ लार्ज सेट ऑफ एड्रेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू 128 बिट्स एड्रेस इज करंटली अंडर वे। हर एक आईपी एड्रेस होता है उसका जो पैटर्न होता है वो 32 बिट्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन क्या कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ अकर हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि 32 बिट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया गया 128 बिट आईपी एड्रेस में। ब्लॉक ऑफ कंक्लूटिवली नंबर आईपी एड्रेस आर अवार्डेड टू ISP बाय द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स विच इज नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश टू कोऑर्डिनेट द इंटरनेट ऑपरेशन। आईपी एड्रेस को क्या अवार्डेड किया गया, ICANN के थ्रू एक एक कॉरपोरेशन थी जिसने क्या क्या कोऑर्डिनेट कर दिया इंटरनेट ऑपरेशंस को और इस्टेब्लिश किया इंटरनेट ऑपरेशंस को। आईपी एड्रेस आर ट्रेडिशनल रिटर्न इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। आईपी एड्रेस क्या था, डॉटेड डेसिमल नोटेशन की फॉर्म में रिटर्न किए गए इन विच द बाइट्स ऑफ एड्रेस आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स एंड ईच बाइट्स इज एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड इन ट्रेडिशनल बेसिस नोटेशन, जिसमें क्या था कि हर एक एड्रेस को सेपरेट किया गया और जो हर एक जो बाइट था उसको इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया ट्रेडिशनल 10 बेस नोटेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशन द पैटर्न 5.2। अब एग्जाम्पल में देखें कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, पैटर्न हमारे पास आया है 5.2। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 बिट पैटर्न के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, 5 का बिट पैटर्न सेपरेट आ जाएगा और क्या होगा कि 2 का जो बिट पैटर्न है वो सेपरेट आएगा विच कंसिस्ट ऑफ द बाइट फर्स्ट। अब जो बिट पैटर्न आया है वो किसका आ गया, यहाँ पर 5 का बिट पैटर्न आ गया है और सेकेंड जो उनका बिट पैटर्न आया है वो बाइट्स आ गए हैं वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एड्रेसिंग इन बिट पैटर्न फॉर्म आर रेयरली कंडक्टिव टू ह्यूमन कंजप्शन। अब जो बिट पैटर्न की फॉर्मेशन थी वो किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इस वजह से क्या हुआ कि जो आईपी एड्रेस की फॉर्मेशन थी वो मशीन्स के थ्रू अकर होने लगी, मशीन के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करने लगे मेनिमोनिक्स नेम से। दिस एड्रेसिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग सिस्टम जो था वो बेस करता था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन्स पे, विच कैन बी थॉट ऑफ एज अ रीजन ऑफ द इंटरनेट ऑपरेट बाय अ सिंगल अथॉरिटी सच एज यूनिवर्सिटी, क्लब, कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी। अब आईपी एड्रेस बेस करते थे डोमेन नेम पे। अब डोमेन नेम क्या थी, हर एक रीजन की डिफरेंट आ गई, यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट डोमेन नेम आ गए, डोमेन आ गए क्लब के लिए डिफरेंट, कंपनीज या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए क्या था डिफरेंट डोमेन थी। ईच डोमेन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ICANN। हर एक जो डोमेन थी वो रजिस्टर होती थी ICANN से। अ प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय कंपनीज कॉल्ड रजिस्ट्रेटर। अब जो प्रोसेस था रजिस्टर करने का डोमेन्स को जो कंपनी हैंडल करती थी वो उनको कहते थे रजिस्ट्रेटर। हैव बीन असाइन दिस रोल बाय ICANN। जो रोल असाइन किया गया था वो किया गया था ICANN। अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द डोमेन इज असाइन अ निमोनिक डोमेन नेम विच इज़ यूनिक अमंग ऑल द डोमेन नेम थ्रू आउट द इंटरनेट। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो डोमेन नेम असाइन किया जाता था हर एक साइट को वो क्या होता था, ओवरऑल इंटरनेट पे वो डोमेन नेम वो आईपी एड्रेस यूनिक होता था। एज एन एग्जाम्पल द डोमेन नेम ऑफ मार्क्यूट यूनिवर्सिटी इज MU.edu। अब देखें यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ की गई जो डोमेन थी वो .edu की थी। इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द डोमेन क्लासिफिकेशन विच इन द केस इज एजुकेशनल एज इंडिकेटेड बाय द edu सुफिक्स। अब जो एजुकेशनल डोमेन थी वो इंडिकेट की गई edu से। दिस सुफिक्स आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। अब जो ये सुफिक्स यूज़ किया .edu, .com, .org ये क्या थे, टॉप लेवल डोमेन थे। अदर टॉप लेवल डोमेन इंक्लूड .com,
फॉर कमर्शियल इंस्टीट्यूट GOV यूज़ की जाती थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, ORG यूज़ की जाती थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, म्यूजियम फॉर म्यूजियम्स, इन्फो फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ एंड नेट विच वॉज ओरिजिनली इंस्टॉल्ड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बट इज़ नाउ यूज्ड एंड टू मच ब्रॉडकास्ट बॉर्डर स्केल। फर्स्ट में क्या था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही यूज़ की जाती थी जो जनरेट हुई थी स्टार्ट में, लेकिन अब ये मच यूज़ की जाती है टॉप लेवल जो डोमेन्स हैं। इन एडिशन टू दिस जनरल टॉप लेवल डोमेन देयर आर आल्सो टू लेटर्स टॉप लेवल डोमेन्स फॉर स्पेसिफिक कंट्रीज कॉल्ड कंट्री कोड TLDs सच एज AU फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड CA फॉर कनाडा। स्टार्ट में क्या था कि जब टॉप लेवल डोमेन इंट्रोड्यूस करवाई गई तो टॉप लेवल डोमेन के स्टार्ट में ही टू लेटर्स यूज़ किए जाते थे स्पेसिफिक कंट्री कोड के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेन थी उनके स्टार्ट में AU लिख दिया जाता था, और ऐसे ही कनाडा की जो डोमेन थी उनके स्टार्ट में भी CA लिखा जाता था। सब डोमेन्स इन द डोमेन नेम सिस्टम DNS हायरार्की अ सब डोमेन इज़ अ डोमेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर डोमेन। अब सब डोमेन क्या होती है, जो मेन डोमेन होती है वो उसी का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द डोमेन ऑफर्ड एन ऑनलाइन स्टोर एज अ पार्ट ऑफ देयर वेबसाइट example.com। अब एक डोमेन है उसके ऑनलाइन स्टोर की डोमेन है example.com, उसकी जब सब डोमेन आएगी तो उसमें कोई किसी भी उस वेबसाइट का पेज का नेम आ जाएगा, पेज का लिंक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल shop.example.com शॉप क्या है, उसका एक सब डोमेन बन गई। एक शॉप का जो वर्ड है वो उसका वेब पेज भी हो सकता है। तो ऐसे उसकी एक सब डोमेन क्रिएट हो जाती है। नेम सर्वर, अ नेम सर्वर ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। नेम सर्वर क्या करता था कि ट्रांसलेट कर देता था डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर अ यूज़र टू असेस अ वेबसाइट बाय टाइपिंग इन द डोमेन नेम इंस्टेड ऑफ द वेबसाइट एक्चुअल आईपी एड्रेस। नेम सर्वर का क्या था, एक बिग एडवांटेज ये था कि जब नेम सर्वर इंट्रोड्यूस हुआ ट्रांसलेट करता था डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। इसके थ्रू क्या होता था कि जब भी यूज़र ने किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करना पड़ता था वो सिंपली डोमेन नेम राइट करता था, URL राइट करता था, ना कि वो जो IP एड्रेस होता था वेबसाइट का उसको राइट करता था। नेम सर्वर आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। नेम सर्वर क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है DNS सिस्टम का। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। द डोमेन नेम सिस्टम DNS कनेक्ट URL विद देयर IP एड्रेस। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, कनेक्ट करता है URL को IP एड्रेस के साथ विद DNS। इट इज़ पॉसिबल टू टाइप वर्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर इन अ ब्राउजर। DNS सर्वर के थ्रू क्या हुआ था कि बहुत ही ईजी हो गया था कि इंस्टेड के पर्सन राइट करे नंबर ऑफ स्ट्रिंग, IP एड्रेस है वो बाइनरी फॉर्म में है, base 10 नोटेशन में है, किसी भी फॉर्म में है, उसके बजाय पर्सन जो था वो यूज़र था वो राइट कर सके सिंपल जो है वेबसाइट का URL, अलाउइंग पीपल टू सर्च फॉर वेबसाइट एंड सेंड ईमेल्स यूजिंग फैमिलियर नेम। अलाउ कर दिया था पर्सन को कि वो सर्च कर सके वेबसाइट्स को उनके नेम से और सेंड कर सके अपने ईमेल्स। यहाँ पर IP एड्रेस का मॉड्यूल कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट टॉपिक्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।